Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। चाची, ऋतु के पार्थिव शरीर के लगे रखे खातिर आप ऋतु के तस्वीर ले आइल बनी। हाँ बेटा, वो ले आइल बनी। रुकी, ले जा। ए बेटा, ये कहा? अरे तू हमारा ये फोटो में ये दुनिया से चल जाला, ओकर फोटो लगाओ जाला पार्थिव शरीर के सामने। ये फोटो ना लगी, तू रितु को कोनो का लेके फोटो दो। हेलो। हाँ मितवा, चाची जी ठीक बोल रहे हैं। जो मर गया है उसी की फोटो चाहिए। मेरा मतलब है स्वर्गवासी रितु की अकेले की ही फोटो चाहिए। रितु जब से गुजरल बड़ी, हम तो अंदर से मरले के समान बने, एकदम जिंदा लाश। ले जी चाची, करके बाहर टेबल पर लगा। ए बेटा, तू का करता रहा? वही तो चाची जी, देखिए ना मितवा कैसी बातें कर रहा है। मुझे तो इसकी बहुत फिक्र हो रही है। तू खाली रितु के फोटो काम रखे, हम ये फोटो ना रख सके। काहे कि तू बारा ये फोटो में, और तू जानत रह कि कितना अशुभ बा। अब शुभ और ये अशुभ जान के का करम चाची जी? आपे बता, हमार जीवन साथी हमेशा हमेशा खाते हमरे के छोड़ के चल गेल, एकरा से बड़ा शुभ और का हो सके? हम तो एकदम अकेला हो गेल बिना चाची। आपसे एगो अनुरोध बटे कि कम से कम इस तस्वीर से हमारा कितना ऋतु के साथ अलग मत करी। हम दुख समझ सकीले बेटा, अभी तू जन को हतरनो वो संभव नहीं के। चाची जी, हम ऋतु से सात जन्म साथ निभावे के वादा के लिए रहे। आज ऋतु हमारे साथ नहीं तक का भाई, हम उनकर के दिल वादा ना तोड़। आज के बाद जहां जहां रितु के फोटो लगी वो जाओ जहां हमारो फोटो लगी। हे बेटा, तू ही समझाओ अपना दोस्त के। अरे जिंदा आदमी के फोटो कैसे रखा सकेला पार्थिव शरीर के सामने, तू ही समझाओ ना। बितवा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करिए और देखिए कुल एपिसोड एकदम फ्री।